दोस्तों नमस्कार। आज मेरे साथ हैं सद्दाम भाई। पिछले 4-5 साल से इनको आईवीएस कॉन्स्टिपेशन था, लेकिन लास्ट 1.5 साल से इनको जो कॉन्स्टिपेशन था वो धीरे धीरे लूज मोशन में बदल गया। इनको मरोड़ पड़ते थे पेट में और 3-4 बार पूरे दिन में लैट्रिन के लिए जाना पड़ता था। और जब ये आए हैं हमने इनका पेट चेक किया था, बहुत ज्यादा नले पड़े थे, यानी पेट इनका पत्थर की तरह टाइट हो गया था। ठीक है, इस तरह का कंडीशन था। इसके लिए इनको ठीक करने में हमें 2 महीना निकल गया। ठीक, 2 महीने के बाद, हाँ, बीच में इनको कई बार ऐसा हुआ कि मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा है, मैं भाग जाऊंगा, मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा है, मैं जा रहा हूँ, भाग जाऊंगा, इस तरह के इनके ख्याल भी आते थे। लेकिन ये डटे रहे, डट के इसका सामना किया। हम इनको समझाए कि भाई देखो, ये समस्या ना एक दिन में आई है ना जाएगी। ठीक है, तो ये डटे रहे, लगे रहे। कई बार घबरा जाते थे बीच बीच में कि अभी ऐसा हो गया, वापस लूज मोशन हो गया, वापस आज कब्ज हो गया, ऐसा करके ये बीच बीच में घबराते रहते थे। लेकिन आज इनका ऐसा कंडीशन है कि पूरी तरह से ये फिट है और मस्त है। तो आप ही बताओ कि आपको जब ये शुरुआत हुआ था तो क्या क्या, कैसे शुरुआत हुआ, क्या क्या लक्षण आते थे और कहाँ इलाज करवाए थे, वो भी बताना। स्टार्टिंग में मेरे को कॉन्स्टिपेशन हुआ, पहले तो टाइफाइड हुआ था, तो फिर उसका मतलब दवा वा लिया, सही हो गया टाइफाइड, फिर कॉन्स्टिपेशन हो गया। तो कॉन्स्टिपेशन हो गया तो फिर उस मतलब दवा वा लिया, फिर वो भी सही हो गया। उसके बाद ऐसा धीरे धीरे सही होता था, कॉन्स्टिपेशन होता था, ऐसा चलते रहता था। बीच बीच में एक बार तो ऐसा हो गया था कि 8 दिन लैट्रिन ही नहीं आया। फिर गया आयुर्वेदी में, फिर चूरन उरन दिए, 15 दिन खाया तो थोड़ा बहुत सही हुआ, फिर होने लगा। फिर अपने काम वाम में बिजी रहता था, उतना मैं माइंड पे नहीं लेता था ये सब। इसके लिए ज्यादा मैं उधर मतलब जैसे ज्यादा प्रॉब्लम मेरे सामने नहीं हुई। लेकिन बीच में मैं गोवा चले गया, तो गोवा गया तो वहाँ पे मेरे को चावल ज्यादा खाने के लिए मिलता था, तो ऐसा लगता कि चावल में कॉन्स्टिपेशन ज्यादा होता है, दोनों टाइम चावल ही खाता था, तो वहाँ पे मेरे को ज्यादा प्रॉब्लम हो गई। तो कॉन्स्टिपेशन भी रहता था, उसके साथ साथ मैं एक दिन कायम चूरन खाया, कायम चूरन खाया, दूसरे दिन से मेरे को डायरिया स्टार्ट हो गया। तो डायरिया स्टार्ट हुआ तो 4-5 दिन तक डायरिया चालू हुआ। उसके बाद दवा लाया तो डायरिया तो सही हो गया, फिर इधर मेरे को दर्द स्टार्ट हो गया। अच्छा, इधर दर्द स्टार्ट हुआ, फिर वो दर्द 15-20 दिन तक था। उसके बाद ये डायरिया कॉन्स्टिपेशन पिछले 1.5 साल से मेरे को तो बहुत परेशान किया था, और ऐसा मरोड़ भी उठता था पेट में, और पेट खाने के बाद फूल भी जाता था, यानी ज्यादा दिक्कत मेरे को 1.5 साल के अंदर हुआ। वो मेरे को लगता है कायम चूरन जो खाया था उसके वजह से ज्यादा दिक्कत मेरे को हुआ। ठीक है, तो आपने कहाँ कहाँ इलाज करवाया इसका? इलाज तो मैं मुंबई में करवाया था, और मतलब गांव में अपने डिस्ट्रिक्ट में ही करवाया था, लेकिन वही पेट ही सफा नहीं होता था, वही से ज्यादा मैं रिपोर्ट वपोर्ट नहीं निकाला था। हाँ, पेट नहीं सफा होता था, इसके लिए दवा देते थे। यूपी में कौन से जिला के हो? सिद्धार्थ नगर। मैं पहले बताता था, इसमें बताना भूल गया, उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर से हैं। और उसके बाद में अभी यहाँ पे आपने ट्रीटमेंट लिया, तो बीच में क्या हो रहा था, क्या क्या होता था, वो सब बताओ। क्योंकि लोग कई बार ऐसा होता है कि 10 दिन ट्रीटमेंट लेते हैं, दिमाग में नहीं आता है, समझ में नहीं आता, रिजल्ट नहीं दिखता, भाग जाते हैं, कोई 15 दिन में भाग जाते हैं, कुछ भी 19-20 होता है, तो उनको कैसे, आपने अपने आप को कैसे संभाला इतना महीने? मैं स्टार्टिंग में आया तो मेरे को 10 दिन में तो एकदम पूरा रिजल्ट आ गया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये सूजन की, जब पूरी तरह से सूजन ठीक नहीं होगा जब तक ये अपना रिजल्ट पूरा प्रॉपरली नहीं आएगा, क्योंकि उसके बाद मेरे को ऊपर नीचे होता था। कई बार आपसे बोला भी कि कभी कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, कभी डायरिया हो रहा है, कभी मैं ऐसा लगता हूँ सही हो रहा हूँ, कभी ऐसा लगता है कुछ नहीं फर्क पड़ रहा है। लेकिन ऐसा करते 2 महीना हो गया, लेकिन अभी मेरे को ऐसा लगता है कि 80-85% मैं सही हूँ। बस थोड़ा बहुत ऐसा कभी कभी ऐसा गैस का हो जाता फीलिंग की, मतलब अभी थोड़ा बहुत गैस है पेट में, बाकी कॉन्स्टिपेशन भी नहीं है, ना पेट अभी फूलता है। बाकी मरोड़ जो उठता था तो मेरे को 1 महीना हुआ, उसके बाद मरोड़ तो एकदम बंद हो गया था। दिन में 1-2 बार ही जाता हूँ लैट्रिन, वो भी किसी दिन, बाकी तो एक ही बार जाता हूँ। ठीक है, ये अभी समझने का, देखो 80-85% बोला, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छी बात, बहुत ही अच्छा समझा, बहुत ही अच्छा सोचा अपने लिए। क्योंकि देखो 10-15% जो आपको लगता है ये अगर नहीं लगेगा ना, तो आप डाइट फॉलो नहीं करोगे, घर पे आप योगा भी नहीं करोगे। ठीक, इतना थोड़ा बहुत इनसिक्योरिटी लगेगी,
तो कुछ महीने आप डाइट फॉलो कर लोगे तो सिस्टम आपका स्ट्रोंग हो जाएगा। अभी हमने क्या है, इनके हाथों का सूजन ठीक किया है, बार बार जो जाते थे उसको ठीक कर दिया, यानी कि पेरिस्टाइलिस मूवमेंट को सेट कर दिया। दूसरा, पेट फूलता था तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टमक में जो कम हो गया था उसको हमने ठीक कर दिया। लेकिन अभी उसको स्ट्रोंग करने के लिए हमें डाइट और योगा का सहारा लेना पड़ेगा लगभग 4 से 6 महीने तक। डाइट में आप या अभी ज़्यादा तला हुआ या ज़्यादा मसालेदार तीखा ये अभी नहीं खा सकते हैं, अभी भी इनको 4-6 महीने बताया जाएगा कि भाई नहीं खाना है, ठीक। और योगा इनको करते रहना है, ठीक है। हाँ, धीरे धीरे जैसे जैसे इनको वेट, अभी मान लो ट्रीटमेंट ले रहे थे, लेकिन जब ये आप गाँव जाएंगे तब इनका जो धीरे धीरे जो है वेट जो है वो गेन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, वो सारी चीज़ें कर लेंगे। दूसरा, हमारे पास देखो कई बार होता है क्या, कई लोगों को चाहिए होता है कि किसी को लगता है कि ये कॉमर्शियल यानी कि पैसे कमाने के चक्कर में मेरे को डब्बा दे रहे हैं या कुछ दे रहे हैं, लेकिन हमारे पास ऐसा प्रोडक्ट है आयुर्वेदिक वाला कि जो मैं लोगों को देता हूँ उसे रिजल्ट भी आता है, वेट भी गेन होता है। बट यही है कि देखो सबको नहीं दे सकते हैं, जो ट्रीटमेंट लेगा जिसका पेट साफ हो रहा है या होने लग जाएगा उसके बाद ही वो आप खा सकते हो, ठीक है, तो उसका रिजल्ट मिलेगा। हाँ, वो एक बार गेन हो जाता है तो क्या होता है कि आप कॉन्फिडेंट हो जाते हो, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है, ठीक है। कई सालों से झेल रहे हो, कई महीनों से वेट वगैरह लॉस हो गया है, एकदम कमजोरी जैसा माहौल था पूरे बॉडी का, तो वो चीज़ें आपकी ख़त्म हो जाती है, ठीक है। फिर आपके अंदर खुशी का माहौल आने लगता है, जैसे खुशी का माहौल आएगा आप भूलने लगोगे कि आपको IBS था, और यही होता है लास्ट में कि जब आप ठीक हो जाओगे तब आप भूल जाओगे कि आपको IBS था। लेकिन अगर ये चीज़ याद रखोगे तो आपको भी लाइफ में काम आएगा कि हमने भी कोई ऐसी भयंकर बीमारी को झेला था जिसने हमको इतना परेशान किया, इतना दर्द दिया, तकलीफ दिया, ठीक है। वो भी ये बीमारी जो है हमको लाइफ स्टाइल और लाइफ जीने का तरीका समझा के जाती है, तो वो बहुत ज़रूरी है। योगा, डाइट बहुत कंपलसरी, बहुत ज़रूरी है। हालांकि मैं अभी मेरा वेट काफ़ी ज़्यादा वेट गेन हो गया, पेट भी बाहर निकल गया है, जब लोग बोलते हैं थोड़ा कम करो, कम भी करते हैं, योगा भी करते हैं, ठीक है। लेकिन देखो उस चीज़ को कभी ये नहीं कि भाई ज़्यादा खाना, मैं खाता हूँ ऐसा नहीं है, मैं सब कुछ खाता हूँ, बाहर का सब कुछ खाऊँगा, ठीक है, ये पिज़्ज़ा बर्गर समोसा चाय वगैरह भजिया वगैरह सब कुछ खाता हूँ, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन लिमिट में खाने का। भाई अपने को पता होना चाहिए कि हमारी कैपेसिटी क्या है, कितना खाना चाहिए, वो चीज़ हमें IBS सिखा के जाता है। वही चीज़ हम एंजॉय सब कुछ का कर ले रहे हैं, लेकिन कभी ये नहीं है कि हमारा पेट खराब हो जाएगा, आप ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक। हम पिज़्ज़ा भी खाएंगे, हाँ कभी पिज़्ज़ा खाने गए तो बस एक पिज़्ज़ा खाएंगे रेगुलर साइज वाला, ठीक है। ये नहीं कि हमने एक पिज़्ज़ा खाया और उसके ऊपर भी 2-4 पिज़्ज़ा और खा लिया तो वो गलत हो जाता है। एक पिज़्ज़ा खाओ, 2-3 गार्लिक ब्रेड खा लो, बाकी सलाद खा लो, ऑटोमेटिकली अब डाइजेस्ट हो जाता है। हाँ, जब प्रॉब्लम था तब हम एक बाइट भी नहीं खा सकते थे, तुरंत पेट और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, वो सारी कंडीशंस होती थी, लेकिन अब वो सब नहीं है। वही सेम इनके साथ भी होगा। हाँ, अभी जो है इनको वेट करना पड़ेगा, थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, सब कुछ होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ का ध्यान रखना। और कुछ आप यहाँ रहने खाने का किसी चीज़ का प्रॉब्लम्स आया आपको? नहीं, अब मेरे को रहने खाने का कुछ प्रॉब्लम नहीं आया, इधर सब सही है। बस इतना है कि ये बीमारी माइंड पे नहीं लेना चाहिए कि दिन रात वही सोचोगे कि पेट मेरा ठीक नहीं हो रहा, ये नहीं तो और ट्रिगर करेगा। इसके लिए मैं मेरा पेट तो ख़राब रहता था 5 साल से, लेकिन मैं कभी अपने माइंड पे नहीं लिया कि मेरे को क्या हो गया, क्या कॉन्स्टिपेशन है, क्या कुछ है ज़्यादा। तो देखो कई साल से परेशान है तो वो उनको डिप्रेशन होता ही है, एंग्जाइटी हो जाती है कि मुझे कौन सी ऐसी बीमारी हो गई है जो ठीक ही नहीं हो रही है, ठीक है। इस तरह के थॉट्स आएंगे, ख्याल आएंगे, लेकिन आपको 100%। हाँ, जैसे आज मेरे पास सुबह में एक लड़के का कॉल आया कि वो कह रहा है कि डॉक्टर जी ने हमको बोल दिया है कि अब जिंदगी भर आपको दवा खाना पड़ेगा, ये ठीक नहीं होगा, तब से मैं और ज़्यादा घबरा गया हूँ, डिप्रेशन में आ गया हूँ, आप बताओ मैं क्या करूँ। तो मैंने उसको समझाया, देखो बेटा ये 100% क्योरेबल है, यानी 100% ठीक होने वाली बीमारी है, बस इसको ज़्यादा अपने दिमाग पे हावी मत होने देना, और दिमाग पे जिस दिन ज़्यादा हावी हो जाएगी आपको रिजल्ट नहीं आएगा, कहीं भी जाओगे आप
वहां पे टिकोगे नहीं, सही से इलाज कराओगे नहीं। हमारे पास भी आके बहुत सारे लोग भाग जाते हैं। मैं कहां बोल रहा हूं कि जो 100 में से 100 आते हैं 100 को ठीक कर देंगे, नहीं, हम ये सब नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बहुत लोग आते हैं 2-4-10 दिन में भी भाग जाते हैं। ठीक है, बहुत लोग 15 दिन में भी भाग जाते हैं, 10-12 दिन ट्रीटमेंट लिया भाग गए। ठीक है, किसी को, हाँ ये है कि हम सबका रिजल्ट जो आता है सबका वीडियो भी नहीं बना पाते। सबका वीडियो का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को एक्सक्यूज होता है कि मेरी मम्मी ने मना किया है, मेरे पापा ने मना किया है, मेरी शादी होने वाली है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो देखो, अब उनको, उनके साथ ज़्यादा आर्गूमेंट करने से अच्छा है कि भाई ठीक है नहीं बनाते हैं। बट ये है कि हमारा रेशियो जो है IBS को क्योर करने का काफ़ी अच्छा है। काफ़ी मेहनत करते हैं, लोगों के पीछे लगते हैं, डाइट, ट्रीटमेंट, योगा, सुबह में योगा वगैरह सब कुछ करवाते हैं। ठीक है, सारी चीज़ें हम करवाते हैं, तब जाके इतनी सफलता हमें मिल पा रही है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।